हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पार्थ और आप देख रहे हैं एक्वा ज्ञान थेरेपी। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पॉन्ड इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ दोस्तों, इसका पहले जो वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे आप अच्छे से मछली के लिए सुइटेबल पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, उस वीडियो में मैंने बताया था कि उसके बाद जो मैं वीडियो ले आऊँगा डेडिकेटेड वीडियो में पॉन्ड इंजीनियरिंग के बारे में ले आऊँगा। आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे पॉन्ड इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो पॉन्ड इंजीनियरिंग है, उस पॉन्ड इंजीनियरिंग में आपको पहले तालाब का जो मेड़ यानी कि जो डाइक होता है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। उस डाइक का पहले आपका जो ध्यान में रखना होगा तालाब का डाइक का जो स्लोप होता है, यानी कि आप जो तालाब का डाइक का जो स्लोप करेंगे उस स्लोप को आपको एक निर्दिष्ट रेशियो में रखना होगा। वो रेशियो क्या होगा, मान लीजिए आपका तालाब का डाइक का रेशियो है 2:1, यानी कि आपका जो वाटर डेप्थ 1 मीटर होगा, तो उस 1 मीटर वाटर डेप्थ के लिए आपका जो डाइक का रेशियो होगा वो होगा 2 मीटर तक। यानी कि मान लीजिए हमारा जो तालाब होता है, तालाब के लिए मान लीजिए 5.5 से 6 फीट तक पानी तालाब का वाटर डेप्थ हम रेकमेंड करते हैं। सो मान लीजिए आपका तालाब का वाटर डेप्थ है 6 मीटर तक, यानी कि सॉरी 6 फीट तक आपका तालाब का वाटर डेप्थ है, तो वो 6 फीट मतलब क्या 2 मीटर हो गया। अगर आप 2:1 रेशियो में रखेंगे तो आपका जो 2 मीटर वाटर डेप्थ के लिए 2 × 2 × 2 यानी कि आपको 4 मीटर आपका जो मेड़ का जो स्लोप है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश किया आप मैंने। और जो दोस्तों आपका तालाब का जो मेड़ का स्लोप का रेशियो है वो हर एक एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी कि हर एक एनवायरनमेंट मतलब क्या दोस्तों, जो आपका सॉयल का टेक्सचर होगा उसके ऊपर डिपेंड करके आपका जो मेड़ का स्लोप होगा वो निर्धारण किया जाएगा। कैसे आप करेंगे, मान लीजिए आपका पॉन्ड है सैंडी एरिया में, यानी कि वहाँ पर जो पॉन्ड का सैंड का परसेंटेज है 30% के ऊपर है, मान लीजिए 35% है या 38% है, सो उस टाइम आपका जो पॉन्ड का रेशियो है उसको आपको 2.5:1 रेशियो आपको मेंटेन करके पॉन्ड का डाइक को तैयार करना होगा, वो आपका तालाब के लिए मोस्ट स्ट्रॉन्गेबल होगा। और मान लीजिए आपका पॉन्ड ऐसे कंडीशन में है जहाँ पर आपका क्ले का परसेंटेज ज़्यादा हो, यानी कि क्ले का परसेंटेज मान लीजिए 40% हो या 40% के ऊपर हो, सो तो आपको उस कंडीशन में आपका जो पॉन्ड का जो स्लोप का रेशियो है वो आपको 1.5:1 रेशियो में मेंटेन करके आपका जो तालाब का डाइक का जो स्लोप होता है वो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हर एक इन्वायरमेंट के लिए आपका जो पॉन्ड का स्लोप का रेशियो है वो भी चेंज होता जाएगा। उसके बाद आपका तालाब का जो डाइक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यानी कि और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ दोस्तों, आप जब तालाब का डाइक को कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी जहाँ पर आपका तालाब का डाइक होगा उस जगह पर आप 4 से 5 फीट नहीं हो तो 3 से 4 फीट तक आप गड्ढा करिए, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर साइज में, और जितना बड़ा डाइक है वहाँ पर कुछ कुछ गैप के हिसाब से आप वो गड्ढा करिए, और उस गड्ढे करने के बाद आप वहाँ पर जो मिट्टी आपने तालाब से खुदवा है उससे आप आपका जो तालाब का डाइक है वो बनवा दीजिए। सो आपका डाइक जो होगा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर ले पाएगा, डाइक टूटने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट आता है आपका डाइक को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए, वो है दोस्तों मान लीजिए आपका दोस्तों फिश फार्म में आपका जो पॉन्ड्स है वो साइड बाय साइड आपका पॉन्ड्स है, सो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से बोलता हूँ, मान लीजिए आपका लेफ्ट साइड में एक पॉन्ड है और एक राइट साइड में एक पॉन्ड है, तो आप जब पॉन्ड का वहाँ पर जब डाइक का कंस्ट्रक्शन करेंगे उस डाइक को आप कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब आप तालाब का बाएँ तरफ यानी कि लेफ्ट साइड का जो डाइक जब कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका स्लोप का रेशियो आपको रखना पड़ेगा, मान लीजिए आप रखें 2:1, तो जो राइट साइड में जो रेशियो होगा यानी कि डाइक का जो रेशियो होगा स्लोप डाइक का स्लोप का जो रेशियो होगा उसको आपको रखना पड़ेगा 1.5:1, यानी कि दोनों तरफ का जो डाइक का रेशियो डिफरेंस रखना होगा। ऐसे ही और भी तालाब जो साइड साइड में है इसका रेशियो आपको डिफरेंस डिफरेंस करके आपका जो तालाब का जो डाइक है वो कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपका जो तालाब का डाइक है वो और भी स्ट्रांग होगा और ज़्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर ले पाएगा और डाइक टूटने का जो संभावना है वो कम हो जाएगा। उसके बाद पॉन्ड इंजीनियरिंग का दूसरा पॉइंट में आ जाता है दोस्तों वाटर सप्लाई, यानी कि बहुत सारे हमारे जो फार्मर्स है वो बहुत फार्मर ऐसे हैं जो नदी का पानी को उनका कल्चर में यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो बरसात का पानी को उनका कल्चर में फिश फार्मिंग में यूज करते हैं, और बहुत सारे फार्मर्स जिनका सबमर्सिबल भी है, तो हर कंडीशन के लिए मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा दोस्तों आप एक रिजर्वर टैंक बनाएं, हर 3 पॉइंट के लिए एक ना एक रिजर्वर टैंक जरूर बनाएं, वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो तो ठीक है, छोटे हो मगर एक रिजर्वर टैंक जरूर रखिए। मान लीजिए
अब रेनी वाटर यानी कि जो बरसात का पानी से आपका पॉन्ड का आपका कल्चर करते हैं मछली का, तो वहाँ पर आपका तालाब का रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर और भी तो आपका और भी कोई वाटर सोर्स तो नहीं है, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली आपका एक रिजर्वर टैंक रखना ज़रूरी है। और इन दो जो दो जो कंडीशन है वहाँ पर भी रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपका जो तीन मान लीजिए आपका जो पॉन्ड्स है उनमें किसी भी एक पॉन्ड में आपका डिजीज हो गया मछली का, सो उस टाइम आपका जो पॉन्ड का जो वो मछली है वो निकल कर और भी और कहीं पर भी रखना होगा, और वो जो तालाब का पानी है उसको निकल कर और पानी लेकर उसको प्रिपरेशन करके उसके बाद छोड़ना पड़ेगा और मछली का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो इस कंडीशन में आपका जो रिजर्वर टैंक है वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि हर 3 पॉन्ड के लिए आप एक ना एक रिजर्वर टैंक ज़रूर बनाएं, जो आपका फिश फार्मिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो नुकसान नहीं होगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप तो सोच रहे होंगे कि आपका जो रिजर्वर टैंक आप एक बना लिया है यानी कि आपका एक जगह आपका जो आप नुकसान हो गया वहाँ पर, तब फिश फार्मिंग नहीं कर पाए, प्रोडक्शन नहीं ले पाए। नहीं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं दोस्तों कि उनका एक पॉन्ड में ऐसे डीजे लग गया और वो उसका प्रॉपर से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, प्रिवेंशन नहीं कर पाए और सभी मछली मार गए, तो वहाँ उनका कल्चर में अल्टीमेटली लॉस ही हो जाएगा। मगर रिजर्वर टैंक रखने तो वो लॉस जो है 100% तक 50% तक घटकर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रिजर्वर टैंक रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये क्या, अब इसके लिए वाटर सप्लाई के बारे में, देन जो पॉन्ड इंजीनियरिंग का तीसरा पॉइंट में आ जाता है, तो ये भी एक मेन थिंग है। क्या है वो? है इनलेट और आउटलेट के बारे में। इसका पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इनलेट क्या है दोस्तों। इनलेट है बेसिकली दोस्तों जहाँ से आप पानी को आपका तालाब में इंटर करते हैं, और आउटलेट है दोस्तों जहाँ से आप पानी तालाब का पानी को तालाब से आप बाहर ले जाते हैं, उसको आउटलेट कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप इनलेट और आउटलेट का कंस्ट्रक्शन करेंगे वो आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों जो आप इनलेट का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप कैसे करेंगे वो इनलेट मतलब जहाँ से आप आपका तालाब में पानी को एंटर करते हैं उसको हम इनलेट बोलते हैं। उस इनलेट मतलब उसको आपको रखना होगा ज़्यादा ऊँचले हिस्से पर तालाब का ऊँचले हिस्से पर, मतलब क्या, डाइक का जो सबसे ऊँचला हिस्सा है वहाँ से आपको किसी पाइप से हो या हो डाइक को थोड़ी बहुत ड्रेन करके वहाँ से आपका तालाब का पानी को अंदर ले आना है यानी कि इनपुट करना है। और जो आउटलेट है दोस्तों, आउटलेट आपको कंस्ट्रक्शन करना है कब? जब आप तालाब का मेड को कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी आपका आउटलेट को कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे करना है? किसी पाइप को आप एकदम जब तालाब का मेड का कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी एक एकदम तालाब का वाटर बॉटम से थोड़ी ऊपर 1 फुट तक ऊपर हो सकता है या एकदम नीचे से आप एक पाइप को लगवा दीजिए और वहाँ से अब एकदम बाहर बाहर निकाल दीजिए, और उस पाइप का आगे एक नेट लगा दीजिए, एकदम छोटे छोटे जो मेस का नेट होता है वो लगा दीजिए। सो दोस्तों ये क्या आज का ये पूरा वीडियो यानी कि पॉन्ड इंजीनियरिंग के बारे में। आज का ये पूरा वीडियो को मैं और भी एक बार बोल लेता हूँ। मान लीजिए आपका पॉन्ड इंजीनियरिंग पहले आपको ध्यान में रखना होगा तालाब का डाइक का जो स्लोप है उसका रेशियो को, उसके बाद तालाब का जो डाइक का जो डाइक को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उसको आपको नज़र में रखना होगा, उसके बाद आपको नज़र में रखना होगा जो वाटर सप्लाई होगा पॉन्ड का वो कहाँ से आएगा, उसके बाद जो पॉन्ड नज़र में रखना होगा वो होगा कि इनलेट और आउटलेट क्या होगा, और एक बात है जो जो आपको नज़र में रखना होगा होगा रिजर्वर पॉन्ड का यानी कि रिजर्वर टैंक आपका पॉन्ड में आपका जो फार्म है वहाँ पर रखना पड़ेगा। दोस्तों ये क्या पॉन्ड इंजीनियरिंग का कुछ बेसिक थिंग जिसके बारे में मैं आज का वीडियो में आपको बताया हूँ। सो दोस्तों आज का वीडियो को मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, आज का वीडियो यही तक। अगर हमारा हमारा चैनल पे आप नहीं है तो हमारे चैनल को नीचे लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन लगा तो आप आपका फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए कि वो भी इन्फॉर्मेशन ले सके कुछ इस वीडियो से। सो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अच्छे रहना, अच्छे काम करना, धन्यवाद।